हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, अगर आप विजिट वीज़ा में आ रहे हैं तो सबसे पहला जो सवाल आता है माइंड पे वो है कि वहां जाके हमको कहां रहना है, कैसे हम रहने की व्यवस्था करें। तो देखिए, आप जब दूसरे कंट्री जाते हैं तो अगर आपके रिलेटिव्स या फ्रेंड्स हैं तो वो लोग व्यवस्था कर देते हैं, बट कई लोग ऐसे आते हैं जो पहली बार आते हैं और उनका कोई भी पहचान वाला वहाँ नहीं रहता है। तो उनके लिए, अगर ऐसे आप लोग में से कई लोग हैं जो लोग दुबई पहली बार आ रहे हैं विज़िट वीज़ा पे जॉब सर्च के लिए और उनके कोई भी रिलेटिव्स यहाँ नहीं रहते हैं, जॉब सर्च करना है इसलिए कंपनी कुछ भी हेल्प नहीं करती है। बहुत लोगों की कंपनी फिक्स हो जाती है तो वो लोग हेल्प करते हैं, बट जिनका कुछ भी नहीं हुआ जॉब सर्च के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, तो उनके रहने का कितना खर्चा आएगा, कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कौन से एरिया में रहना है, आज इस वीडियो में उसी से रिलेटेड बात करेंगे। तो देखिए, दुबई जो है एक बहुत बड़ा शहर है, उसमें जो आपको जहाँ भी जॉब इंटरव्यू या जॉब सर्च के लिए जाना है तो आपको ऐसी जगह चूज़ करनी होगी जहाँ से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो, यानी कि आपको मेट्रो मिले, आप अगर चाहते तो टैक्सी भी मिले आपको या बस सर्विस मिले। तो यहाँ दो तीन तरह के मेट्रो है, बस है, टैक्सी है, दो तीन तरह के ट्रांसपोर्ट है, तो इन्हीं सब में से आपको चूज़ करके एरिया भी चूज़ करना होगा। तो इसके लिए अगर आप अभी अपने होम कंट्री में हैं, उससे पहले अगर आप अपनी व्यवस्था कर लेना चाहते हैं तो एक वेबसाइट है डूबिज़ल, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग लिंक क्लिक करके वहाँ जा सकते हैं। तो उसमें आपको भरना रहेगा कि आप कौन से एरिया में चूज़ करना चाहते हैं, कौन से शहर में, यानी कि दुबई में रहना चाहते हैं, शारजा में रहना चाहते हैं, अजमान। तो अभी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है वो सबसे ज़्यादा दुबई से आ रही है, क्योंकि सामने एक्सपो 2020 है, तो आपका प्रेफरेंस दुबई ही होगा। तो दुबई आप डालिए, आपको रेंट चाहिए, अपार्टमेंट रेंट चाहिए या शेयरिंग चाहिए या बेड स्पेस चाहिए, जो भी चाहिए आपको, आप वहाँ पर भर सकते हैं। तो आज बात करेंगे बेड स्पेस से रिलेटेड। तो जब कोई नया कोई आता है, फ्रेशर आता है, तो होटल्स बुकिंग का मतलब एक बहुत बड़ी समस्या आती है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव है। और इस टाइम पे जब सामने एक्सपो 2020 है तो होटल्स बहुत एक्सपेंसिव है दोस्तों अभी इस टाइम पे। तो ये अच्छा रहेगा कि आप अपने होम कंट्री में बैठे बैठे अपने रहने की व्यवस्था कर ले, यानी कि अगर आप विज़िट वीज़ा पर आ रहे हैं तो आपको एक महीने का, दो महीने का, तीन महीने का, हर तरह का रेंट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे रहना चाहते हैं तो शेयरिंग पे रह सकते हैं, यानी कि एक रूम पे दो तीन बेड्स होते हैं, वहाँ पे आप शेयरिंग पे रह सकते हैं, उसका रेंट थोड़ा ज़्यादा होता है। बात करते हैं बेड स्पेस की, सबसे ज़्यादा रीज़नेबल और अगर आप अकेले आ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा है सेविंग करके अगर आपको रहना है। बहुत प्रॉब्लम में यहाँ के लोग रहते हैं, मतलब मैंने देखा है अपनी आँखों से कि कितना लोग स्ट्रगल करते हैं यहाँ पर रहने के लिए। तो बेड स्पेस सबसे ज़्यादा रीज़नेबल है, वहाँ पे बंकर बेड्स होते हैं, एक रूम पे छः लोग, सात लोग, मतलब डिपेंड करता है ये। तो ऐसी जो बेड स्पेस अवेलेबल है वो काफ़ी जगह पे अवेलेबल है, बट मैं अगर कुछ दो तीन लोकेशन अगर बोलूँगी तो वो है अलकरामा हो गया, बर्ड दुबई हो गया, देरा हो गया। अगर आप इस जगह पे सर्च करें, आस पास आपको बस स्टॉप मिलेगा, मेट्रो मिलेगा, हर चीज़ वहाँ पर अवेलेबल है। तो आपको जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाना है, जॉब सर्च के लिए जाना है, तो आप इजीली जा सकते हैं। अब बात करते हैं रेंट की, तो रेंट डिपेंड करता है, देखिए कई जगह पे है सिर्फ रेंट, यानी कि बेड स्पेस का रेंट, तो वो आपको मिनिमम से मिनिमम, मैं बोल रही हूँ, अगर आप देखेंगे तो 500-600 में आपको मिल जाएगा। क्लीनलीनेस थोड़ा कम होगा या अदर जो एमिनिटीज़ होती है वो थोड़ी कम होगी 500-600 रेंज में। अगर आपको नॉर्मल यानी क्लीन एक बेड स्पेस चाहिए तो आप मान के चलिए आपको 800 दिरहम वहाँ पे खर्च करना होगा अपने बेड स्पेस के लिए। और कई रेंट्स ऐसे होते हैं जिन पे इंटरनेट हो गया, वाटर बिल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, हर चीज़ इंक्लूडेड रहता है। आपको वहाँ किचन प्रोवाइड होता है, गैस प्रोवाइड होता है, फ्रिज प्रोवाइड होता है, वॉशिंग मशीन दी होती है। तो ऐसे एमिनिटीज़ के साथ अगर लेते हैं तो आपको 800 से 900 दिरहम पड़ जाएगा आराम से, यानी कि 500 से 800 पकड़ के चलिए, मिनिमम 500 और मैक्सिमम 800-900, ये आपका रेंट पड़ेगा पर मंथ यहाँ पे रहने का।
अगर आप 500 लेते हैं तो आपको इंटरनेट का खर्चा आएगा अलग से, वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल अलग से देना पड़ेगा, जो भी है। तो बेस्ट ये होता है हर चीज़ इंक्लूड करके आप पैकेज लीजिए, और लोकेशन जो मैंने अभी बोला वो लोकेशन आप ऐड कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। डूबिजल साइट में बहुत सारे वहाँ पे कॉल करने के लिए, मैसेज करने के लिए पूरा ऑप्शन दिया रहता है, आप कॉल कर सकते हैं, या इंटरनेशनल कॉल अभी अगर आपका पॉसिबल नहीं है आप मैसेज कर सकते हैं। एटलीस्ट ये लोग मतलब फ्रॉड नहीं होते हैं, मतलब जो भी वहाँ पे वेबसाइट के ऊपर दिए होते हैं पोस्ट जो होते हैं रेंट के लिए वो अच्छे रहते हैं। यानी कि आप उनसे बात कर लीजिए कि मैं आने के बाद रेंट दूंगा, इस तारीख को आ रहा हूँ, तो हर चीज़ आपसे बात हो जाएगी। व्हाट्सएप कर सकते हैं आप उनसे, वॉइस मैसेज में बात कर सकते हैं, तो ऐसी व्यवस्था करके आप आ सकते हैं। तो आपका जो होटल का खर्चा है जो कि अभी बहुत एक्सपेंसिव है वो बच जाएगा, या यहाँ आने के बाद इधर उधर सर्च करना ये आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाएगा अगर आप पहले से ये सब चीज़ें देखना चाहें। आई होप आपको हेल्प हुआ होगा, और इस तरह की कैसी वीडियोस आपको चाहिए प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। वैसे इसके बाद मेरा प्लान है कि फ़ूड से रिलेटेड कि दुबई में खाने का क्या खर्चा होता है, अगर आप इंडियन है पाकिस्तानी है तो यहाँ आने के बाद खाने का क्या सिस्टम है, खाने का मेस होता है क्या होता है, ये सब आने वाला है नेक्स्ट वीडियो में। तो स्टे ट्यून्ड विथ मी विथ माई चैनल, आई होप आपको हेल्प हुआ होगा। कोई भी क्वेश्चन हो, कुछ भी डाउट हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।